इस चैनल पर हम आपके लिए मिस्टीरियस इंटरेस्टिंग फैक्ट और जानकारी से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाएं। भारत एक बहुत ही बड़ा बाजार है जहां बहुत सी कंपनियों ने अपने पैर जमाए हैं। भारत में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिनकी शुरुआत भारत से ही हुई है, लेकिन अगर आप इनके नाम सुनेंगे तो आपको यह लगेगा कि वह एक विदेशी कंपनी है। तो आज हम आपको ऐसे ही कुछ कंपनियों के बारे में बताने वाले हैं जिनका नाम विदेशी है लेकिन यह कंपनियां भारत के ताल्लुक रखती है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। पहला, पीटर इंग्लैंड। अगर आप आमतौर पर किसी से पूछेंगे पीटर इंग्लैंड कहाँ की कंपनी है, लोगों का जवाब ग्रेट ब्रिटेन ही आएगा, लेकिन पीटर इंग्लैंड असल में एक भारतीय कंपनी है। पीटर इंग्लैंड आदित्य बिरला ग्रुप की एक कंपनी है। रॉयल इनफील्ड, बुलेट मोटरसाइकिल बनाने वाली दिग्गज कंपनी रॉयल इनफील्ड के बारे में ज्यादातर लोगों का मानना है कि यह एक विदेशी कंपनी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह भारतीय कंपनी आयशर मोटर्स के द्वारा बनाई जाती है। लैक्मे औरतों के लिए सुंदरता से जुड़े सामान बनाने वाली कंपनी है। यह कंपनी भारत की नंबर वन कॉस्मेटिक कंपनी है। अगर आपको लगता है कि यह इस देश की नहीं है तो आप बिल्कुल गलत है, लैक्मे भारत की कंपनी है। लुइस फिलिप, अगर आप फॉर्मल कपड़ों के शौकीन है तो आप लुइस फिलिप्स को जरूर जानते होंगे, लेकिन आज यह भी जान लीजिए कि यह ब्रांड भारत का ही है और यह भी आदित्य बिरला ग्रुप के कंपनी है। वैन हुसैन, इस कंपनी की शुरुआत सन 1989 में की गई थी। यह कंपनी मुद्रा फैशन के अंतर्गत आती है जो कि आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। इसके अलावा एलन सोली भी आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। डा मिलानो, सुनने में यह नाम किसी इटालियन कंपनी का लगता है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह कंपनी भारत से ही ताल्लुक रखती है। यह कंपनी अपने चमड़े से बने उत्पादों के लिए जानी जाती है। जैगवार कार का एक दिग्गज ब्रांड है। वैसे तो जैगवार की शुरुआत भारत में नहीं हुई, लेकिन कुछ वर्षों पहले इसे टाटा मोटर्स ने खरीद लिया, जिसके बाद से यह कंपनी भारत से ही हो गई। हमें आशा है कि इस कंपनियों ने आपको जरूर हैरान किया होगा, क्योंकि इनमें से कई नाम तो भारतीय नहीं लगते। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इनमें से आपको कौन सी कंपनी सबसे अच्छी लगी।